नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। जल्लीकट्टू पर याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मरीना बीच पर जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटाए जाने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता राजा रामन को मद्रास उच्च न्यायालय में पृथक याचिका दाखिल करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि लोग मरीना बीच पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रदर्शनकारियों को भोजन और पानी लेने की अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए न्यायालय को इस मामले को सुनवाई के लिए स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जैसा कि रामलीला मैदान वाले मामले में लिया गया था। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने वर्ष 2014 में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की याचिका मंजूर करते हुए जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने जल्लीकट्टू के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पनीर सेल्वम ने मोदी को उच्चतम न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू पर रोक लगाए जाने के कारण राज्य में उपजे ताजा हालात से अवगत कराया। मोदी ने जल्लीकट्टू के सांस्कृतिक महत्व की प्रशंसा की और कहा कि फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह पारंपरिक जल्लीकट्टू का समर्थन करते हैं। सिंह ने ट्वीट किया कि मैं पारंपरिक जल्लीकट्टू कार्यक्रम का समर्थन करता हूँ। यह स्पेन में होने वाली उस बुल फाइटिंग से बेहतर है जिसमें सांडों की मौत हो जाती है, इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। उधर मरीना बीच पर जल्लीकट्टू के समर्थन में 5,000 से ज्यादा लोग डटे हुए हैं। इनमें छात्र, आईटी कंपनियों के कर्मचारी एवं अन्य लोग शामिल हैं। इनकी मांग है कि जल्लीकट्टू पर लगी रोक हटाई जाए, साथ ही पेटा पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस बीच प्रदर्शनकारियों के पक्ष में समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। थेनी जिले के व्यापारियों के संगठन ने घोषणा की है कि जब तक जल्लीकट्टू से प्रतिबंध नहीं हटता वे पेप्सी और कोका कोला नहीं बेचेंगे। इससे पहले बुधवार रात को पुलिस ने बिजली आपूर्ति पर रोक लगा दी, लेकिन वह युवाओं का मनोबल नहीं तोड़ पाई। युवाओं ने अपने मोबाइल फोनों का इस्तेमाल टॉर्च की तरह किया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के एटा में कोहरे के बीच ट्रक से टकराई स्कूल बस, 15 बच्चों की मौत। उत्तर प्रदेश चुनाव में 2 सीटों से उम्मीदवारी के लिए कथाकार आसाराम के बेटे नारायण साईं ने मांगी जमानत। डीआरटी ने बैंकों से कहा माल्या से 6,203 करोड़ रुपए की वसूली प्रक्रिया शुरू करें। इटली में भूकंप के बाद हिमस्खलन की चपेट में आया होटल, 30 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए संकल्प पारित किया। मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।